संघ प्रमुख मोहन भागवत दो दिन से चित्रकूट में है। बुधवार को वह पद्म विभूषण जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज से शिष्टाचार भेंट करने के लिए तुलसीपीठ आश्रम गए। यहां वे संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए। मुलाकात के दौरान जगतगुरु राम भद्राचार्य और आरएसएस प्रमुख के बीच हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर प्रमुखता से चर्चा हुई। इस मौके पर सरकारी वाह्य दत्तात्रेय हौस बोले सह सरकारी वाह्य डॉक्टर कृष्ण गोपाल संरक्षक बयाजी जोशी, सुरेश सोनी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक दीपक विश्पुते मौजूद रहे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक बताकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी थी, जिसे पद्म विभूषण जगतगुरु राम भद्राचार्य ने नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने भागवत के इस बयान को अनुकूल नहीं बताया है। यह बात भागवत से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने कही। हालांकि संघ प्रमुख ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आज मैंने मुझसे कहा था, तो इसके बाद क्या बोले वो क्या बोलेंगे?